नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिषा न्यूज हेल्पलाइन से और आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आई हूं आप सबके सामने। करिश्मा कपूर फिर से करने जा रही है शादी। कौन है वो शख्स जो करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों का पिता बनने जा रहा है, आइए जानते हैं। करिश्मा कपूर जो कि बॉलीवुड एक्टर है और इनका खूब नाम भी चलता है, इनकी निजी जिंदगी हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है क्योंकि करिश्मा कपूर अभिनेता गोविंदा को पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन फिर गोविंदा किसी कारण से करिश्मा को छोड़ दिया। गोविंदा से अलग होने के कुछ समय बाद ही उनकी जिंदगी में अभिषेक बच्चन आए। हम आपको बता दें कि करिश्मा कपूर ने फिर संजय कपूर से की थी शादी, जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही करिश्मा कपूर अपने पति संजय से अलग हो गई थी। हाल ही में करिश्मा कपूर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि करिश्मा कपूर जल्द ही शादी के लड्डू खा सकती है, या यूं कहें कि वह जल्द शादी कर सकती है और अपने बच्चों को नया पिता भी दे सकती है। जल्द दूसरी शादी कर सकती है करिश्मा कपूर, फिर से खाने जा रही है शादी के लड्डू। करिश्मा कपूर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में एक या दो नहीं कई फिल्म्स बनाई हैं। यही वजह है कि करिश्मा कपूर आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। करिश्मा कपूर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया की चर्चा में है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इनके पति संजय कपूर ने करिश्मा कपूर के खिलाफ हाथ उठाया था और इसी वजह से करिश्मा कपूर ने अलग होने का फैसला भी लिया था। अब करिश्मा कपूर दोबारा शादी के लड्डू खा सकती है और अपने दोनों बच्चों को नया पिता भी दे सकती है। जिस शख्स से करिश्मा की शादी की बात हो रही है उसका नाम है सिद्धार्थ। यही वजह है कि इस समय मीडिया में इन सब की चर्चा हो रही है। आइए आपको और बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर सिद्धार्थ नाम के इस शख्स से शादी कर सकती है। करिश्मा कपूर और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने भी लगे हैं। देर रात तक दोनों को साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर इस समय इनके रिश्ते चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर जल्द ही सिद्धार्थ नाम के शख्स से शादी कर सकती है और शादी के लड्डू खाकर बच्चों को नया पिता भी दे सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज हेल्पलाइन और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।